अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हम आपको एक और दरबार की ज़ियारत कराने जा रहे हैं। ये दरबार बिल्कुल बैक साइड पे है, सैयद जलालुद्दीन सुरपोश रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे दादा जान हैं उनकी बैक साइड पे ये दरबार है, बाग के अंदर ये वाक़ है दरबार। और ये खलीफा हैं सैयद अता हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, और आप भी सैयद हैं, और हम आपको उनकी ज़ियारत कराने जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ सामने बाग भी है, बाग के अंदर ये दरबार है, और ये बड़ी बेहतरीन ज़ियारत है। आप मेरी वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और हम आपको बुज़ुर्गों की बारगाह में लेके जा रहे हैं। आप इनकी ज़ियारत भी करें, फातिहा खानी भी करें, और ये देखें सामने आपका मज़ार मुबारक है, और साथ और भी मज़ारात हैं आपके साथ। ये दरबार आलिया उस शरीफ के ये भी करीब है, और यहाँ पे हमें फातिहा खानी भी करनी है, और आप भी फातिहा खानी करें। अभी हम इनका इंशाल्लाह तारुफ भी आपको करवाएंगे कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं और किन का ये दरबार मुबारक है। जी, अभी हम आपको इनकी तारफ़ करवाने जा रहे हैं। ये जो तख्ती लगी हुई है इनके मज़ार के ऊपर, आपका नाम मुबारक भी लिखा हुआ है। आपका नाम है जनाब मौलाना अस्सैयद मोहम्मद अनवर आबिदी मुहक्किक हिंदी। आप रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हिंदी में पैदा हुए थे, फिर आपने ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब पाकिस्तान बना तो फिर आपने उस शरीफ को मस्कन बनाया, और यहाँ पे आपने दीन की तबलीग की। और जनाब आप खलीफा रशीद हैं सैयद अता हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, और काफ़ी अरसे तक आप दीन की तबलीग करते रहे। आपने दीन लोगों को सिखाया, एक आप आलम दीन भी थे, और आपकी काफ़ी खिदमत हैं उस शरीफ के अंदर। और ये पूरा का पूरा तारफ़ आपका लिखा हुआ है कि जहाँ पे आप पैदा हुए, आप इंडिया में पैदा हुए थे, और आपने सदर फाजिल की सन्नत जो वो हासिल की थी, वो मदरसतुल वाइज़ीन की तरफ से आपने सन्नत हासिल की थी। तबलीग के लिए आप अफ्रीका भी गए और दिगर ममालिक में आप तशरीफ़ रहे। आखिरकार जिंदगी जो ज़िंदगी के लिए जो आपने पसंद किया आखिरी ज़िंदगी में, वो उस शरीफ को पसंद किया, और वहाँ पे ही आपने सुकून अख्तियार की, और यहीं पे ही आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात भी गुजारे और दीन इस्लाम की तबलीग भी की। उस शरीफ वैसे भी औलिया अल्लाह का शहर है, और जो भी बंदा चला जाए वहाँ पे उसका दिल लग जाता है। औलिया अल्लाह का शहर हो और जिसकी फ़िज़ा भी रहमत हो। तो आप मेरी वीडियो को पसंद लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें।